नमस्कार, ब्राइटन इंफो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आदा चुमानी, खबर रीवा से है, जहाँ महिला अपने मासूम बच्चे को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल महिला सिमरिया थाना क्षेत्र के सैमरी गांव की रहने वाली है। पीड़िता संगीता यादव ने बताया कि अपनी पति के स्वयं की अर्जित आय से मकान निर्माण करा रही है, जिस पर उसके जेठ मुन्नू यादव पिता लक्ष्मण यादव के द्वारा सारा सामान घर के बाहर तोड़कर फेंक दिया है। पीड़िता और उसके पति ने जब विरोध किया तो उसके साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया और जान से मारने की धमकी मिली है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आइए सुनाते हैं अपने मासूम बच्चे को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची महिला ने क्या फरियाद लिखवाई है। रीता यादव, क्या शिकायत लेकर एसपी ऑफिस आए? एसपी ऑफिस आए हैं शिकायत लेकर, हमारे जेठ हमको मारे हैं और बस यही जमीन के बारे में गाली गलौज करे हैं, और मेरे ज़मीन में भैंसी बांधते हैं तो हम बोले कि हमारे ज़मीन में भैंसी मत बांधो, तो बोलते हैं कि तुम्हारे बाप का नहीं है, मेरे बाप का है। क्या नाम है उनका? शिवनाथ यादव। कहाँ के रहने वाले? सिमरी थाना सिमरिया। कब मारपीट की? अभी 31 तारीख को। आपको बस चोट आई है? आपके साथ बस चोट आई थी लेकिन अब नहीं है, उस दिन थी लेकिन अब नहीं है। थाने गए थे आपसे? हाँ, थाने गए थे लेकिन जा नहीं पाए थाना पूर, वो मतलब आगे से आके लौटा ले गए हम लोग को, मतलब धमकी दे रहे थे कि रिपोर्ट करोगी तो ये करेंगे वो करेंगे। हमारे बात को लेकर मारपीट हुई? बस यही ज़मीन के बात को लेकर मारपीट की। हमारे आदमी नहीं यहाँ बाहर हैं तो बोलते हैं कि हम जैसा हम, मतलब उनकी बीवी ख़त्म हो गई हैं तो बोलते हैं कि जैसे हम हैं जैसे तुम हाँ, तुमको भी कर देंगे। कहाँ से आए आप? हम सिमरिया से आए, सिमरी से आए। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि बस उसको एक बार सज़ा मिलनी चाहिए। वहीं रहते हैं? जी वहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? रीता यादव।